जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड की मांग की थी और गैरसैंण का जो नाम बहुत चर्चित था कि गैरसैंण एक केंद्र बिंदु होने के नाते गैरसैंण में राजधानी होगी, मगर राजनीतिक पार्टियों के कारण आज हम उस उत्तराखंड की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि जो उत्तराखंड बनना चाहिए था। सर्वप्रथम हम लोगों ने आंदोलन किया है, राज्य की लड़ाई के लिए किया है और गैरसैंण के लिए किया है, और आज सरकारें कहते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होगी, हमें तो नहीं लगता है कि ग्रीष्मकालीन शीतकालीन क्या है, आप बताइए ना कि गैरसैंण में होना क्या चाहिए। तो राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अन्यथा गैरसैंण पर गंदी राजनीति हो रही है और इससे पूरे उत्तराखंड का पहुंच जो है आज अंधकार में पड़ा हुआ है। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं ये सरकारें आखिर में क्या करें, ये सरकारें खाली ढगो चला कर रही है। इस प्रकार से आंदोलनकारियों के सपने के लोगों ने सड़क पर उतर के माता और बहनों ने युवाओं ने पत्रकार लोगों ने इसको जो इस प्रकार से जो सपने सजाए थे कि भी हमारा उत्तराखंड राज्य होगा, हमारी राजधानी कहाँ होगी, और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था कि गैरसैंण को राजधानी माना जाए, केंद्र बिंदु मान के चले थे कि कुमाऊं और गढ़वाल का एक सेंटर जो है गैरसैंण को मान के चले थे। सारे लोगों ने आंदोलन का केंद्र गैरसैंण माना था और एक कल्पना थी लोगों की कि हमारा एक अच्छा राज्य होगा, उत्तराखंड राज्य होगा, पर आज की डेट में हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि जो आंदोलनकारी के सपने थे वो कहीं पूरे नहीं हो रही है। 21 साल में सपनों का जो उत्तराखंड है वो तो बहुत ही मुझे शंका होती है इसमें कि वो उत्तराखंड ये अभी हम देखने को नहीं मिल रहा है। सरकारें जो भी आई हो, हमारा किसी विशेष सरकार से ये कहना नहीं है, लेकिन एक उत्तराखंडी होने के नाते उत्तराखंड आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका हमने निभाई है, जिस प्रकार से जो पीड़ाएं हमने से वहाँ पर हमने सहन की हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को देखते हुए उत्तराखंड वो जिस उत्तराखंड की हमने परिकल्पना की थी वो उत्तराखंड को कहीं से भी दिखाई नहीं देता और बस मात्र औपचारिकता हो रही है और चारों तरफ बस अराजकता का माहौल है और अराजकता के माहौल में हम लोग ठगे से। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने भी उत्तराखंड आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है उनको नमन करता हूँ कि उनकी शहादत के बाद ही हमारा उत्तराखंड राज्य बना है। और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज मैं उनको स्मरण करता हूं कि उनकी बदौलत से उत्तराखंड राज्य बना है और आज उत्तराखंड राज्य को संवारने का काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे सड़कों की दृष्टि से देखें, चाहे बिजली की दृष्टि से देखें, चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें आप, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में देखें, चाहे तीर्थाटन के क्षेत्र में देखें, आज हम जो चुनिंदा देश के 3 राज्य हैं उनमें आज हम शुमार हैं। आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन में भी हम देश के पहले 3 राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने कि 100% पहली डोज वैक्सीनेशन किया है और दूसरी डोज भी हमारे यहाँ 52% से ज़्यादा हो। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन भी करता हूँ कि शहीदों के जो उन्होंने कार्य किए हैं और बलिदान दिया है उस पर सभी लोग विचार भी करें और अच्छी तरह उनके कार्यों को पढ़ करके, जीवन को पढ़ करके उनकी कार्यशैली पर चलें। और इसी के साथ में जो हमारे उत्तराखंड में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड क्रांतिकारियों के जो शौर्य और साहस के हिसाब से जो हमें ये मिली है, स्थापना दिवस हमारा बना, उत्तराखंड अलग राज्य घोषित हुआ, उसे लेके इस बार 21वां हमारा राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को नमन करते हुए सभी प्रदेशवासियों को, देश में रह रहे अपने साथियों को, सभी को बधाई देता हूँ। उसके लिए बहुत बहुत उन लोगों का नमन, सत सत नमन, कुछ चले भी गए जो हमारे साथ हैं उन सभी के लिए मैं नमन।
10 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के विजय शंखनाथ शंकर रैली को अनुमति नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के विजय शंखनाथ रैली से डर गई है और इसी के डर के चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति दे दी। कांग्रेस की विजय शंखनाथ संकल्प रैली अब 11 नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में की जाएगी। इतने बड़े कार्यक्रम की देखिए, ये इसमें मैं समझता हूँ कि प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन ने हमारे साथ जो कार्यक्रम स्थल के लिए हमें जिसे कहते हैं कि पार्किंग वार्किंग सबकी व्यवस्था हम लोगों ने करी और रात को हमें शाम को वहाँ पर बुलाया गया और हमसे कहा गया कि भाई आप लोगों के लिए या आप समय चेंज करिए या आप जगह चेंज करिए क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आने वाले हैं और हमें यहाँ पर पार्किंग बनानी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके लिए हमारे पास हमारे कार्यकर्ता कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और हजारों के हजार की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर आए और आज सत्ता के दबाव में इन्होंने ये काम किया है कि जिसे कहते हैं विपक्षी की आवाज़ को दबाने का काम किया है और विपक्षी की आवाज़ दबने वाली नहीं है और हमारा कार्यक्रम जैसा था हम उसको 11 तारीख को करवाएंगे और इससे भी भारी संख्या में हमारा कार्यकर्ता और जोश और जुनून के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचेगा और भाजपा सरकार की ईंट से ईंट मिला जाएगी। उसमें तो प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित है, हम तो सबको आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो सभी पार्टियों के जिलाध्यक्षों को आमंत्रण भेज रहे हैं, तो वो तो एक राजकीय कार्यक्रम है। उसमें क्योंकि एक वृहद व्यवस्था करनी है, जब 8-10 हज़ार लोग आने की संभावनाएं हैं, SHG के लोग आ रहे हैं जनपदों से 3 हज़ार, बच्चे आ रहे हैं 3-4 हज़ार, तो ट्रैफिक का एक पूरे शहर का प्लान देखना है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है और हमारे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया है और इस बात पर यह हुआ है क्योंकि हमने कहा ये विशेष स्थल से अलग कहीं आप करना चाहें करिए खुशी से, हमें कोई थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो स्थल की आवश्यकता थी। 18 अक्टूबर को प्रदेश में आई भारी आपदा से धान की फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गई। इसके अलावा भारी बारिश से हल्द्वानी के गोलापार इलाके में अधिकतर नहरें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालात ये हैं कि गोला बैराज से गोलापार के लिए जिन नहरों के जरिए पानी जाता था वो क्षतिग्रस्त है, जिससे गोलापार इलाके में सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा जानवरों के लिए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। नहरों की मरम्मत की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गप्पा के नेतृत्व में गोलापार के सैकड़ों ग्रामीणों ने SDM कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगले 3 दिन के अंदर गोलापार इलाके में नहरों को दुरुस्त नहीं किया गया तो जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। ये पूरा गोलापार क्षेत्र की खेती प्रभावित हो रही बुरी तरह, टमाटर की खेती खत्म, अगर पानी नहीं मिलेगा तो एक हफ्ते में सब टमाटर की खेती पूरे गोलापार में ख़त्म हो जाएगी। ये स्थिति है, आपदा एक तरफ है, दूसरी तरफ विभाग इस तरफ से सोया है, सुस्त है, उन्हें पता नहीं कि हमारी नहर टूटी है और हमारे किसानों को आगे आना पड़ा, हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना पड़ा, तब जाके थोड़ा इनको चेतना इनके अंदर पैदा की गई है कि तुम कहाँ सोए हो। क्या चेतावनी? चेतावनी ये है कि विद इन ए वीक, क्यों भाई, तीन दिन के अंदर यदि इसमें पानी चालू नहीं हुआ तो पुनः इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, घेराव किया जाएगा, अधिकारियों का यही तो निर्णय लिया गया। अधिकारियों से अभी हम लोगों ने पूछा है, उनको हमने थोड़ा सा सचेत भी किया है कि कार्य में प्रगति लाएं और यदि कोई धनराशि किसी प्रकार की आवश्यकता है उसकी मांग करें, तुरंत उनको धनराशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 24 नहरें ये जो इस खंड की बात है हल्द्वानी की उन्होंने खोली हैं, औरों पर भी कार्य कर रहे हैं। हरिद्वार के शिवालिक नगर स्थित BSP प्रदेश कार्यालय में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। इसी दौरान पार्टी कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे भी चले। वहीं इस हंगामे का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये विवाद विधानसभा प्रत्याशियों के टिकट बंटवारे को लेकर हुआ था। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से BSP के कार्यालय पर यह विवाद हो गया और ऐसे में आपस में सभी भिड़ते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।